नागा साधुओं की ट्रेनिंग कमांडो से भी खतरनाक। अर्धकुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ के दौरान नागा साधु बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। संत समाज के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा बनाते हैं। ये है जुना अखाड़ा, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। सबसे ज्यादा जुना अखाड़े में लोग सन्यासी बनते हैं। नागा साधु बनने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद अखाड़े में शामिल होकर व्यक्ति 3 साल अपने गुरुओं की सेवा करता है। वहां उसे धर्म दर्शन और कर्मकांड आदि को समझना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष बनने की दीक्षा आरंभ होती है। जब गुरु हर तरह से संतुष्ट होकर शिष्य पर भरोसा कर लेते हैं, तब कुंभ के दौरान उसे अगली प्रक्रिया में सन्यासी से महापुरुष बनाया जाता है, जिसकी तैयारी किसी सेना में शामिल होने जैसी होती है। कुंभ में पहले उसका मुंडन करके नदी में 108 डुबकी लगवाई जाती है। इसके बाद वह अखाड़े के 5 सन्यासियों को अपना गुरु बनाता है। महापुरुष बन जाने के बाद उन्हें अवधूत बनाए जाने की तैयारी शुरू होती है। अखाड़ों के आचार्य अवधूत बनाने के लिए उस साधु का जनेऊ संस्कार करते हैं और उसके बाद उसे सन्यासी जीवन की शपथ दिलाई जाती है। शपथ के बाद नागा बनने के लिए तैयार व्यक्ति से उसके परिवार और स्वयं उसका पिंडदान करवाया जाता है। इसके बाद बारी आती है दंडी संस्कार की और फिर होता है पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप। रात भर ध्वज के नीचे खड़े होकर जाप करने के बाद भोर होते ही व्यक्ति को अखाड़े ले जाकर उससे विजया हवन करवाया जाता है और फिर गंगा में 108 डुबकियों का स्नान होता है। गंगा में डुबकियां लगवाने के बाद उससे अखाड़े के ध्वज के नीचे दंडी त्याग करवाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही विज्वान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। इस संपूर्ण क्रिया में लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। नागा बन गए साधु को फिर वन, हिमालय, आश्रम और पहाड़ों में कठिन योग साधना या तपस्या करना होती है। उक्त तपस्या आदि के बाद वह परिपक्व नागा बन जाता है। नागा बनने वाले साधुओं को भस्म, भगवा और वस्त्र चिमटा, धूनी कमंडल और रुद्राक्ष की माला को धारण करना होता है। ये नागा साधु हिमालय में शून्य से भी नीचे के तापमान में नग्न रहकर जीवित रह लेते हैं, लेकिन एक कमांडो ऐसा नहीं कर सकता। नागा साधु कितने ही दिनों तक भूखा रह सकता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्रों का त्याग करना होता है। ठंड, गर्मी और वर्षा सभी मौसमों में उन्हें तपस्या के दौरान नग्न ही रहना होता है। नागा साधु हमेशा भूमि पर सोते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तक के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इस दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धूनी रमाते हैं। भ्रमण के दौरान बस्ती के बाहर डेरा डालकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। दिन में एक ही समय भिक्षा के लिए मात्र 7 घरों में जाते हैं। यदि 7 घरों से उन्हें कोई भिक्षा न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना होता है। नागा साधुओं के पास खुद के हथियार जैसे तलवार, त्रिशूल और भाला रहते हैं, जिन्हें उन्हें चलाने के लिए शिक्षा मिलती है। जंगल में उनका सामना जंगली जानवरों से हो जाए तो वे बगैर हथियारों के भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कालांतर में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पुराने समय में नागा साधुओं को अखाड़ों में एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। मूलतः नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पी महंत, दिगंबर, श्री महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नामक पद होते हैं। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है।